आज पीएम मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में होंगे शामिल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। प्रधानमंत्री मोदी आज केवड़िया को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात, राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड भी देखेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन समारोह में होंगे शामिल, शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि, सभा को भी करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले सीएम एकनाथ शिंदे, मराठा आरक्षण को लेकर हो रही हिंसा के बारे में जानकारी दी। जयंत पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार से की हिंसा रोकने की अपील, कहा आरक्षण पर जल्द से जल्द फैसला ले सीएम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन बोले हमास नेता के भाषण की जांच करेगी पुलिस, बीजेपी पर हमला बोला। केरल ब्लास्ट पर सीएम ने अधिकारियों के साथ की सर्वदलीय बैठक, घायलों से भी की मुलाकात। केरल ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दोनों सरकारों को जिम्मेदार ठहराया, कहा यह धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश। केरल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, जेपी नड्डा ने कहा हमास नेता की वर्चुअल रैली के बाद धमाका, वॉर जोन को केरल लाने की कोशिश। केरल ब्लास्ट में संदिग्ध डोमिनिक का सामने आया दुबई कनेक्शन, 15 साल तक दुबई में कर चुका है नौकरी, 2 महीने पहले दुबई से लौटा था भारत। केरल ब्लास्ट केस में डोमिनिक मार्टिन गिरफ्तार, मार्टिन ने ली थी ब्लास्ट की जिम्मेदारी, कई धाराओं में केस दर्ज। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, पुलवामा में यूपी के मजदूर की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। आज जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चौथी वर्षगांठ काला दिवस के रूप में मना रही है कांग्रेस। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजा, 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया, 19 अप्रैल को सीबीआई ने की थी पूछताछ। कथित शराब घोटाले पर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, पूछा शराब घोटाले का पैसा कहां है। राजस्थान चुनाव पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सहित सोनिया और राहुल गांधी मौजूद रहे, चुनाव को लेकर रणनीति बनी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट टोंक से आज भरेंगे नामांकन, भूतेश्वर महादेव मंदिर के सामने जनसभा को करेंगे संबोधित। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक आज, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सुरजेवाला दिल्ली पहुंचे। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक, गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी, औद्योगिक विकास, आवास विभाग, नगर विकास समेत कई विभागों के प्रस्ताव होंगे पेश। लखनऊ में लोकभवन में फिल्म तेजस की स्क्रीनिंग, आज सीएम योगी मंत्रियों के साथ फिल्म देखेंगे, लखनऊ ऑडिटोरियम में दिखाई जाएगी फिल्म, दोपहर 12:30 बजे फिल्म देखेंगे सीएम।